أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة دَاعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم شروع अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और ऐ पैगंबर जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूं जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं हजरत अबू हुरैरा रजी से रिवायत है के नबीम ने फरमाया कि ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ और जिस वक्त वो मुझे पुकारे मैं उसके साथ हूँ बसमिल्लामान रहीम मोहतरम नादरीन पयाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद खौतिन हजरात आज पयाम सुबह में हमारा मौजू हकीकत दुआ अभी हमने तिलावत कलाया पाक सुनने की सादत हासिल की वैजा साल का इबादी अन्नी फ करीब उजीब दावत इज़ादानी फल जस्तजी बोली लोग मेरे बारे में सवाल करते हैं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जब ये मुझे पुकारते हैं तो मैं इनकी पुकार सुनता हूं जवाब देता हूं खातिन हजरात वकाल रब को वकाल रबों को मदूनी अस्तजिब लगो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि मुझसे मांगो मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा खातिन हजरात दुआ मोमिन का हथियार दुआ इबादत का मब्ज दुआ बंदगी सिखाती है दुआ जिंदगी करना सिखाती है खातिन हजरात आज हम बात करेंगे दुआ के मौजू पर दुआ की हकीकत क्या है दुआ के आदाब क्या हैं दुआ की शरात क्या है दुआ के कबूलीत कैसे होती है और दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती रिज़ हलाल और तवक्ल के बगैर क्या दुआ कबूल हो जाती है सूर्य फातहा का इस सिलसिले में हम उससे भी गुफ्तु में लाएंगे और हम ये बात करेंगे कि सरकार दो आलम सल्लाम के दुआ के मामूलत क्या थे आप किस तरह दुआ फरमाते थे खवातन तशीफ फरमा है मुफ्ती नजीर अहमद खान साहब मुमताज आलिमद्दीन जामिया बिनौरिया रिसर्च अकेडमी के डायरेक्टर उनके साथ तशीफ फरमा है मोहतरम अलामा सैयद शबीजा जैदी साहब मुमताज आलिमद्दीन लातादाद किताबों के मुसनफ तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम से मारे और हम उनसे सीखते हैं प्रोग्राम का आगाज हम करना चाहेंगे मोहतरम नजीर अहमद खान साहब से मुफ्ती साहब सब सबसे पहले सिंपल सा सवाल दुआ का फलसफा क्या है दुआ की हकीकत क्या है दुआ के आदाब क्या है दुआ की रूह क्या है कुरान करीम क्या बताता है हमें दुआ मुस्तकिल इबादत है मुस्तकिल एक इबादत है जिस तरह जिक्र एक इबादत तिलावत एक इबादत नमाज पढ़नी इबादत जिक्र इबादत इसी तरह दुआ मुस्तकिल इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मगज यानी जिस तरह के एक कंपनी वाले के लिए कंपनी वाले के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करना तो आसान है लेकिन उसे लोगों से कबूल कराना ये उसके लिए बड़ा मसला होता है इसी तरह इबादत करनी आसान है नफल पढ़ने ये इबादत करनी आसान है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से उसे मंजूर कराना कबूल कराना ये एक अलग मामला है तो इसी के लिए नमाज नमाज के साथ जो दुआ है मुखल इबादत या इबादत का मगज़ है ये जो मैंने इबादत की अल्लाह ताला के हाँ कबूल भी हो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है अल्लाह तबारक व तालहा से मांगने की कि अल्लाह मैंने जो कुछ किया ये अल्लाह तो इसे कबूल करा दे यानी इबादत जो मैं पढ़ता हूँ नमाज मैं जो मैं जो तिलावत करता हूँ मैं जो जिक्र करता हूँ उसमें भी मुझे दुआ की जरूरत पड़ती है कि अल्लाह मैंने जो कुछ किया अल्लाह तो इसे कबूल मंजूर फरमा दे तो एक दुआ है दुआ मुस्तकिल इबादत है फिर इबा, दुआ इबादत का मगज है फिर ये है कि ये जो दुआ है ये नमाज या किसी अमल के ताबे नहीं है यानी ये नहीं है कि नमाज फर्ज नमाज के बाद दुआ हो या ये ये मुस्तकिल एक अमल है जिस तरह आप नफल के लिए मुस्तकिल वक्त निकालते हैं और तिलावत के लिए मुस्तकिल वक्त निकालते हैं इसी तरह इस्लाम का फलसफा ये भी है कि हम दुआ के लिए मुस्तकिल जो है वो वक्त निकालें और अल्लाह ताला से मांगें और अपने काम निकालने के हवाले से काम निकालने के हवाले से कुरान का जो हमारे पास उसूल है वो ये है बहसीत मुसलमान के एक काफिर उसको जब कोई मुश्किल आती है या उसकी कोई हाजत होती है तो वो वसाइल का सहारा लेता है बहसीत मुसलमान हम वसाइल भी इख्तियार करते हैं और हम आमाल भी इख्तियार करते हैं और वसाइल, पे छोड़ देते हैं वसाइल इख्तियार करते हैं वसाइल पे यकीन करके नहीं आमाल इख्तियार करते हैं आमाल पर यकीन करके ये एक बड़ा फर्क है तो अब मेरी कोई मुश्किल आए मेरी कोई मुश्किल है मैं वसाइल भी इख्तियार करूंगा लेकिन उसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करूंगा इस दुआ के जरिए ये एक सबब है अल्लाह तबारक वाली इसके जरिए मेरा मसला हल करेगा लेकिन कुरान करीम में जो अम्बियाई के राम अलीलात वाम के जो मॉजादा हैं उसके अंदर अगर आप एक चीज देखें जो अक्सर हमारी गलती है वो ये कि जब हम दुआ करते हैं जब दुआ करते हैं तो अब हम हम ये समझ हम तो इसबाब के मोहताज हैं लेकिन अल्लाह तबारक वाली मुसब्बुल्बाब है वो इस्बाब के मोहताज नहीं जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो मैं हाथ उठा रहा हूं अल्लाह से मांग रहा हूं इसके लिए इस्बा भी मुयसर है या नहीं है कुरान हमें ये तालीम देता है कि जब तू हाथ उठाता है तो ये मत सोच कि अल्लाह के इसबाब इसके लिए मुयसर है या नहीं है बल्कि तेरा अल्लाह असबाब के बगैर भी तुझे दे सकता है हुँ। जैसे हजरत मरियम आलि सलाम के वाके में कि हजरत जकरिया ही सलातों सलाम जब भी तशरीफ ला रहे हैं उनके पास जो है वो बगैर मौसम के फल फ्रूट देख रहे हैं उस वक्त उनके दिल में एक आवाज आई कि बगैर असबाब के अल्लाह तबारक वाले से मैं अगर अब बैठा मांगूंगा अल्लाह तबारक वाली मुझे बेटा मरहमत फरमाएगा दुआ की इसबाब मुयसर नहीं है लेकिन लेकिन अल्लाह तबारक दे सकता है लिहाजा दिल का बड़ा ताल्लुक है दिल का बड़ा ताल्लुक है रसूल करीम वसल्लम ने इसीलिए हजी पाक में फरमाया कि जब दुआ करो तो आजम के साथ करो कि मेरा काम अल्लाह ताला इस दुआ के जरिए करेगा और अपनी जो रगबत है उसे उसे भरपूर अंदाज में पेश करे क्योंकि अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है फैन अल्लाजम शही तो ये ये दो चीज़ें जो बुनियादी हैं ये मैंने आपके सामने बिल्कुल ये तो दुआ का फलसफा उसकी तारीफ मैं चाहता हूं इसी गुफ्तु को आप आगे बढ़ाइए बसमान रहीम ये दुआ एक ऐसा लफ्ज है दुआ करते हैं पुकारने को और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इंसान किसी को भी न पुकारे सिवाय अल्लाह के और खुदांद करीम ने ये एहसान फरमाया है कि 24 घंटे में किसी वक्त भी इंसान अपने माबूद को पुकार सकता है और सुनता है और वो सुनता है बात सिर्फ इतनी सी है कि खुदावंद करीम ने तो ये सबसे बड़ा इस दुआ के अंदर एक फलसफा हमारे सामने पेश किया कि अगर हमारे सामने चार आदमी एक दफा कोई बात कहें तो हम उसमें तवज्जो करेंगे तो एक आदमी की सुनेंगे तीन आदमियों की आवाज़ हमारे पास से गायब हो जाएगी और हम नहीं समझ पाएंगे कि बाकी तीन आदमियों ने क्या कहा हमसे बाकी चार आदमियों ने हमसे क्या कहा बाकी दस आदमियों ने क्या कहा इसके लिए कहा गया कि ला य तो उस सायलून उसे सवाल करने वाले मुगालते में नहीं डाल सकते वो सबकी सुनता भी है जवाब भी देता है अब दुआ की कबूलियत और दुआ मांगने का जो फलसफा है वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब खुदा वंद आलम हमारे दिलों के हालात को जानता है तो फिर दुआ क्यों मांगी जाए वो मेरी बात को जानता है दुआ दर हकीकत एक रता है जो अब्द और मबूद के दरमियान है खुदा मंद आलम यह चाहता है कि दुआ के वसीले से मेरा बंदा मेरे साथ मरबूत रहे और मेरे साथ मांगने की इसे आदत रहे ताकि ये दुनिया में किसी और का मोहताज न बने और किसी दूसरे की तरफ इसकी तवज्जो न जाए अपनी हर बात मेरे सामने करे इसको हमारे माशरे में दुआ को सिर्फ ये समझा जाता है कि हम अगर बीमार हो जाएं तो शिफा के लिए दुआ मांगें औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ मांगे किसी की जरूरत को बयान, को बयान करने को दुआ कहते हैं हालांकि दुआ का जो फलसफा आईम मासूमी पैगम्बर अक्रम सल्ला वलम कुरान मजीद से जो हमें मिलता है वो ये कि सबसे अजीम तरीन दुआ वो है कि जो इंसान अपने ईमान और अकीदे की सलामती के लिए मांगता है और उसके लिए कुरान मजीद की वो आयत हमारी रहनुमाई करती है गरब बना लात क्लू बना बा हदई तनाए हमारे दिलों को टेढ़ा न करना हिदायत आ जाने के बाद ये दुआ कुरान मजीद की हमें इस तरफ रगबत दिलाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज वायत के लिए ही दुआ नहीं मांगनी है बल्कि खुदा वंद आलम की हमदो सना के लिए भी दुआ मांगनी है और उसकी इबादत के लिए भी दुआ मांगनी है कि अल्लाह तो मुझे तोफीक अता कर मुसल के मैं तेरी बंदगी करूँ तेरे अलावा किसी और की बंदगी न करूँ और दूसरी चीज़ ये कि दुआ के कसरत के लिए कहा गया कि जितना ज़्यादा दरवाजा खटखटाओगे उतनी जल्दी ही खुलेगा ठीक है फिर ये कि दुआ मांगने वाले बाजौी समझते हैं मैं गुनागार हूँ तो कैसे दुआ मांगूँ तो उसके लिए तरीके बताए गए और ये बताया गया कि मबूद मसलन तुम मेरे गुनाहगार हाथों को अपनी तरफ फैला हुआ न देख बल्कि अपनी रहमत की तरफ देख के तेरी रहमत इससे ज़्यादा बसी है फिर और करीम एक मरतबा एक मरतबा जो है पूछा गया सरकार से कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं इसका क्या मालजा किया जाए तो आपने फरमाया कि अपने मोमिन भाई की अपने मुसलमान भाई की जबान एक मासूम जबान को किराए पर यानी मुस्तार लो दुआ के लिए तो पूछा गया मुस्तार कैसे लेंगे जबान कैसे 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 मिलेगी हमें मासूम जबान कौन सी जबान मासूम है तो कहा अपने मुसलमान भाई से दुआ के लिए इल्तजा करो इसलिए कि तुमने उसकी जबान से गुनाह नहीं किया लिहाजा तुम्हारे लिए वो जबान मासूम है इसलिए जबान और इसतफार और दुआ के सिलसिले में बताया गया कि जब मकफरत के लिए दुआ मांगो और जब रिस्क के लिए दुआ मांगो जब ईमान के लिए दुआ मांगो तो आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए आपका खुलूस और आपका अदब कैसा होना चाहिए मुकम्मल हुजूरी मुकम्मल हुजूरी की कैफियत होनी चाहिए और अपनी जरूरत को अल्लाह हाँ। ताला की खुशनूदी से मजबूत कर दिया हाँ। जाए। और बेहतरीन वक्त दुआ का वो है कि जब सारे बंदे सोए हुए हों उस वक्त उठकर अपने माबूद की बारगाह में अगर दुआ करे तो वो बेहतरीन वक्त है दुआए के अल्लाह तला उस वक्त अपना रहम फरमाता है कि और फिर एक इसमें आ, वो नजर करम खास तौर पे करता है कि जब सारे बंदे गफलत की नींद सो रहे हैं तो ये मेरा बंदा, बंदा उठा हुआ है मुझे याद कर रहा है और इस सिलसिले में हुँ। आ, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमत ने अपनी तफसीर तफसीर कबीर में बड़ी अच्छी बात कही है और खुदा गवाह कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम मुसलमानों को बहुत ही फैजियाबी होगी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं और सूर हम करते हैं, उसमें दो दुआएं हम खास तौर से तीन दुआएं मांगते हैं ए दिन असरातमस्तकीम से पहले तो कहा कि हजरत इमाम फखुरद्दीन राजी रहमत आरमाते हैं कि नमाज में फुरादा पढ़ता हूँ तब भी ईया का नाबोदो पढ़ता हूँ और ईया का नस् जबकि जमा के सीगे हैं और जब जमात के साथ पढ़ता हूँ तब भी तो जमात के साथ पढ़ने में तो समझ में आती है कि ईया का नाबोदो व ईया का नस्तिन हम सब खड़े हुए हैं लिहाजा हम सब तेरी इबादत करते हैं सब तुझी से मदद चाहते हैं लेकिन जब मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ तो फिर ये जमा का सीगा समझ में नहीं आता हुँ. आम हालात में कहने लगे ये अल्लाह ने खास फजल किया है कि जमीन पर कोई वक्त ऐसा नहीं कि अल्लाह के अलिया अल्ला और बंदगान खुदा और मखलूकत खुदा अल्लाह की इबादत में मसरूफ न हो लिहाजा अल्लाह ने कहा जब जब भी नमाज पढ़ो इस तस्वूर के साथ के केौलिया खुदा इस जमीन पर जहां जहां नमाज अदा कर रहे हैं इिया का नाबधू हम सब मिलकर यहाँ जमा हाँ लेकिन मुसलमान तन नहीं होता उसके पीछे इसम के अंदर एक फायदा है क्योंकि खुदा बंद आलम के यहाँ बुखल नहीं है इमाम सलाम फरमाते हैं कि खुदा के यहाँ बुखल नहीं है जब इज्तमा तौर के ऊपर बंदे दुआ मांगते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह एक बंदे की या दो बंदों की दुआ कबूल करके और बाकी की रद्द करके अगर एक की भी कबूल होती है तो उसके साथ सबकी कबूल क्योंकि इन्ना रबी लसमी दुआ और दूसरा ये कि वो बेहिसाब देता है उसको तो वो चाहता ही है कि मेरा बंदा एक दफा मेरे सामने अपने हाथ फैला दे ठीक है अपने आप को मेरे सामने पेश कर दे जी हाँ बिल्कुल अच्छा मुफ्ती साहब दुआ का जो तरीका है जो दुआ के आदाब हैं मैं चारों जरा उस पर बात करें मुफ्ती साहब ने अलाम साहब ने बड़ी अच्छी बात फरमाई सूर्य फातिहा का यहाँ जिक्र हुआ अब सूर्य फातिहा पूरी एक दुआ है ना अब उसमें पहले हम अल्लाह ताला की सना बयान कर रहे हैं ना अलहमद ला रबीन अर रहीम मालिक योम द्दीन हमने इन्हीं दुआ का तरीका बताया अल्लाह ताला ने हमें कि पहले उसकी बड़ाई उसकी किबरियाई हमने बयान की फिर आए आगे ईया का नाबदोवा का नस्त अहद नसरातल मुस्तकीम इन ये सूर फातहा का ताल्लुक दुआ से क्या है हम मुसलमानों को और आलम इंसानियत को सूर फातहा से क्या दर्श मिल रहा है देखिए दुआ के हवाले से जो हमें जो बातें मिलती हैं वो एक तो ये कि दुआ के अफाज क्या होने चाहिए तरतीब क्या होनी चाहिए अलफा क्या होने चाहिए दूसरे नंबर पर ये कि जब दुआ के लिए हमारा अंदाज अमली अंदाज क्या होना चाहिए तीसरे नंबर पर जो हमें हादीसी मुबारक के जरिए जो रोशनी मिलती है वो ये कि उस वक्त दिल दिमाग की कैफियत क्या होनी चाहिए तो हादीसे मुबारक में जहाँ जहाँ इसमें आजम के जो अल्फा जिक्र हैं कि ये इसमें आजम है ये इसमें आजम है जैसे अल्लाक कैम इसके हवाले से रसूल करीम सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाया कि ये इसमें आजम है जिसने ये पढ़ दिया उसके बाद जो मांगा अल्लाह ने दे दिया इसी तरह एक सहाबी दुआ कर रहे थे अल्लामैनीलोक बेन नाद असमतफून अहद ये दुआ जब यह अल्फाज कहे तो जनाब रसूल करम सल्ह वसलम ने इर्शाद फरमाया कि इस शख्स ने ऐसे अल्फाज कहे हैं कि इसके बाद ये जो मांगेगा अल्लाह ताला इसे जरूर देगा तो इसका मतलब कि अल्लाह तबारक व ताल की वहदानियत अल्लाह ताली की जो सफात हैं वो सिफात, वो सिफात हो और रसूल करीम अलैहि वसल्लम पर दरूद हो क्योंकि आप अलैहि वसल्लम का इर्शाद ग्रामी है कि दरूद के बगैर जो दुआ खत्म होती है वो दुआ कबूल नहीं होती मरदूत होती है हजरत अमर बिन खत् रजी अल्लाह ताल का असर भी है तो जो अल्फाज हैं वो ये कि अल्लाह ताल कीमत हो जनाब रसूल करम सल्ला वसलम पर दरूद हो अल भी आखिर भी और इसीलिए सलातुल हाज़ा में जो दुआएं हमें मिलती है दूसरे में दुआएं मिलती हैं तो वो हमसे शुरू होती हैं और पूरे कुरान का जो खुलासा है वो सूर्य फातहा है सूर फातहा में जो हम दुआ मांगते हैं कुरान का खुलासा क्या है एल्ला हमें हमें राह हिदायत पर चला दे अब राह हिदायत की जो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की तारीफ बिस्मिल्लाह से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे फिर अपनी गुलामी का फिर अल्लाह हर हालत में हम आप ही से मदद चाहते हैं फिर आगे हमने मुस्तकीम से दुआ शुरू होती है तो ये दुआ के वो अल्फाज हैं जो इस तरह हो अच्छा इसमें फिर आगे जो दूसरा अंदाज है वो ये है कि दुआ करते हुए हमारा अंदाज क्या होना चाहिए क्या हाथ बंद करके दुआ करें तो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी मुबारक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तम से रिवायत है कि जनाब रसुलकरम सल्ला वसलम जब दुआ फरमाते थे तो हाथ उठा के दुआ फरमाते थे अच्छा और ये ये, ये जब हाथ उठा के दुआ फरमाते थे सरकारी दोम सल्लाम क्या ये नमाज के बाद दुआ फरमाते थे या नमाज के अलावा नमाज के बाद नमाज के बाद नमाज के बाद अच्छा नमाज के बाद आ, जी जी रसूल करीमल वसलम ये नहीं आप सल्ला फरमाई जी जी जी, जी नम, नमाज के बाद जो दुआ फरमाई ये एक अलग बहस है इज्तिमाही फरमाई ये लेकिन दुआ फरमाई करें आप जी जी दुआ फरमाई है अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दुआ फरमाई है अच्छा इसमें किसी का अख्तिलाफ नहीं अच्छा ये ये एक मसला है कि वो दुआ इजमाही थी इंफरादी थी ठीक तो है थी? एक, तो फरमा दीजिए या ये दोनों अकवाल हैं ठीक है, अच्छा, है इनफिरादी की भी है हम उस, उन, उन मसलों में नहीं जाना चाहते जो इज्तिमा कर रहे जो इज्तिमा कर रहे हैं उनके पास भी अपनी जगह एक मौके क्योंकि आप सल्लाह दुआ के तालु से आपके मामूलात क्या थे जी तो अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम को जो आम मामूल है हर इबादत के बाद यानी नमाज के बाद उमूमन जनाब रसूल अक्रम सला वसलम का मामूल दुआ का रहा है तिलावत के बाद जनाब तो रसूल अकरम सल्ला वसलम और हजरत साहब के राम रजान अजमैन का मामूल दुआ कर रहा है मैं जो आगे जो अर्ज कर रहा था वो ये कि दुआ का अंदाज क्या होना चाहिए तो रसूल करीम सल्ला वसलम ने हमें तालीम दी वो ये कि जब हम दुआ करें तो हाथ उठा के करें और आप सल्लाह वसलम ने इर्शाद फरमाया कि उठे हुए जो हाथ होते हैं अल्लाह तिर खाली हाथ उन हाथों को वापस नहीं करेगा लत लुमा सिफरन का लफ्ज है खाली उसे वापस नहीं इसलिए हाथ उठा के दुआ करो फिर हाथ

गाफिल इन लाहिन दिल की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए गाफिल दिल की जो दिल गाफिल होता है अल्लाह ताला अब इमाम साहब तो दुआ कर रहे हैं और मैं जो है गाफिल बैठा हुआ मेरा दिमाग जो है वो कारोबार में घूम रहा है इधर उधर घूम रहा है इसका मतलब इस, इस इसका मतलब ये जो एहतियात के साथ दुआ मांगनी चाहिए वो उस एहतियात के साथ मैं नहीं मांग रहा तो रसूल करम सल्ला वसलम ने जो हमारी वो जो जो तालीम हमें दी वो दिल की तवज्जो के साथ और दिल की तवज्जो के हवाले से जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं जब दुआ करूं तो मैं ये सोच के ना करूं इसबाब को सामने इसबाब को सामने रख के मैं दुआ ना करूं बल्कि बुल बुल अस्बाँ बुल अस्बाँ को अस्बाँ को ये नहीं जैसे जैसे हजरत जकरिया सलाम के वाक्य मैंने अर्ज किया कि अब इसबाब मुहैया नहीं है बूढ़े हो चुके हैं बीवी भी उस हद से निकल गई आगे आगे जा चुकी है कि अब जाहिरी इसबाब के हवाले से बच्चे की विलादत मुमकिन नहीं है लेकिन दुआ फिर भी फरमा दी और इस ये जो दुआ करना है ना उमूमन इसको हम गुस्ताखी करार देते हैं कि यार इसबाब है नहीं और अल्लाह से मांग रहे हो तो जादा के जरिए मॉजादा के जरिए अल्लाह ताला ने जो हमें जो तालीम दी वो ये दी कि देखो ये गुस्ताखी तुम्हारे इस एतवार से कि तुम्हारा जो अकीदा है ना कि अल्लाह ताला इसबाब ही के जरिए दे सकते हैं अल्लाह इसबाब के जरिए भी दे सकते हैं इस्बाब के बगैर भी दे सकते हैं जिस तरह ये तो अल्लाह ताली की अजमत और उनकी किवरियाई है उनकी बड़ाई है कि वो जो चाहते हैं अल्लाह ताल वो कर सकते हैं इस पर हमारा हम सबका ईमान है अल्लाह साहब मुश्तु कौन होते हैं जैसे आपने फरमाया ना कि अल्लाह ताला तो देने पे आते हैं तो देते चले जाते हैं मुझे देना एकरा... आता है हाँ। अंबिया कराम तमाम के तमाम मुस्ताबावात होते हैं उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जितने भी मासूम उसके बाद ओलिया कराम वो लोग जो अपनी जबान को पाकिजा रखते हैं मसलन एक हदी से है अबदी अत अनी आलो का मसल ए बंदे तू मेरी इबादत कर मेरी इतात कर मैं तुझे अपनी मसल बना लूँगा मसल बना, बना लूँगा क्या मतलब है यानी जब तेरी जबान मेरे लिए वक्फ हो जाएगी इस जबान पर झूठ नहीं होगा गिबत नहीं होगी चुगलखोरी नहीं होगी फितना नहीं होगा मुनाफकत नहीं होगी और ये जबान खाल मेरे लिए इस्तेमाल होगी तो फिर जब तू अपनी जबान को मेरे लिए इस्तेमाल करेगा फिर इस जबान से तू जो कुछ कहेगा मैं उसे उसी वक्त पूरा करूँगा ताकि दुनिया देख ले कि जिसने अपनी जबान मुझे दी है मैंने उसकी जबान को बात को कभी रद्द नहीं किया इसलिए बाजात दुआ के लिए सरकार मरतबा सलील्ला वसम ने इशात फरमाया कि एक मरतबा अगर कोई आदमी अपनी जबान से गाली बगता है तो चालीस दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती या वो घर जिन घरों में गाना बजाना होता है जिन घरों के अंदर जो है वो म्यूजिक होता है उसके लिए हदीस पाक अलैहि वसलम है कि वो घर तीन चीजों से महरूम हो जाता है एक तो ये कि उस घर में दुआ कबूल नहीं होती दूसरा ये कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तीसरा ये कि वह आफत नागहानी से किसी वनी महफूज नहीं रहता तीसरी चीज जो है उस दुआ की कसरत के लिए कहा गया कि अक्सर बिदुआ दुआ के जरिए से कसरत अख्तियार करो और अपने अल्लाह सेबत अख्तियार अच्छा है। और दौा। ये दुआ 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 कुनूत को भी कहा गया कि और ये तमाम मसालिक के अंदर है इसको बाजत पढ़ा भी जाता है और हमारे यहाँ मसल के तशयों में तो बाकायदा तौर के ऊपर हर नमाज में दुआए कनूत पढ़ा जाता है और नमाज शब के अंदर भी इसका हुक्म दिया गया है और इसके लिए खूबसूरत बात मैं अपने सामीन की खिदमत में हदिया करना चाहता हूँ और वो ये कि शैतान ने हजरत आदम सलाम के सजदा के इनकार के बाद अल्लाह से कहा था कि कलाफ अबिमा अगवई तनीलाम सरातकमस्तकीम अल्लाह तू ने जो मुझे आजम के सजदा न करने के जुर्म में बागी बनाकर निकाल दिया है तो मैं जाकर सराती मुस्तकीम पर बैठूंगा भला आतीम वान इमान वान शमिल इनके सामने से पीछे से छोड़े से बाएँ से गुमराह करूँगा और तू अक्सरीत को जो है शुक्रगुजार नहीं पाएगा ऐसे मौके पर उलमाए कराम ने जो नुकता पेश किया है और ये हकीकत है कि चार सिमतें तो शैतान ने घेर रखी है हमारी कि उसने कहा कि दाएं जाओगे तो भी पकड़े जाओगे बाएं जाओगे तो भी पकड़े जाओगे सामने जाओगे तो भी पकड़े जाओगे पीछे जाओगे तो भी पकड़े जाओगे मैंने चार रोस्ते तुम्हारे सिरा मुस्तिम पर बैठकर घुमराहा तुम्हें करने के लिए इस्बाब मुहैया कर रखे हैं तो ऐसे में उलमा क़राम अलिया कराम ने ये नुकता निकाला है कि दो रस्ते शैतान भूल गया ठीक है एक ऊपर का रास्ता और एक नीचे का रास्ता ठीक है इन रस्तों पर हम बात करें एक, एक एक बस एक जुमला मुकम्मल होने दीजिए ताकि सामीन तक पहुंच जाए और वो ये है कि जब शैतान चारों तरफ से घेर रखता है तो इंसान को अल्लाह ने दो रस्ते खुले छोड़े हैं कि एक दुआ के जरिए से हाथ उठा ले तो ऊपर का रास्ता खुला हुआ एक सजदे में सर रख दे तो नीचे का रास्ता खुला हुआ है शैतान की में बिल्कुल और वस जुदू वक्त करीब सजदा करें और अल्लाह के करीब हो जाए खातन वक्फिक के बाद आएंगे और सवाल ये रखेंगे कि दुआ की कबूलियत के लिए रिस् हलाल और तवक्कुल की क्या अहमियत है आ रहे हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक खौन नजरात प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदे तशीफ फरमाए मोहतरम मुफी नदीर अमर खान साहब और मोहतरम अलामा सैयद शबी रजा जरी साहब खवातन नजरात मौजू आज के प्रोग्राम का है हकीकत दुआ और अब टेलीफोन लाइन्स हमारी ऑन हो रही हैं सवालत कर सकते हैं मौजूद दुआ है दुआ के तलुक से कोई भी सवाल आपके जहन में नमदार हो रहा हो हमारे कराम बैठे हुए सवाल कीजिए और अपनी इलमी कमी को दूर कीजिए हमारे फोन नंबर्स हैं जीरो टू वन थ्री फोर फाइव 27009 और 02134528061 आप हमें ई भी कर सकते हैं पी एस एट दुनिया टीवी डॉट टीवी एस एम एस के लिए पी एस लिखें और थ्री जीरो थ्री वन पर उसे सेंड कर दीजिए खौती हजरात बात हो रही थी दुआ के ताल्लुक से और हमारी दुआएं अल्लाह सुनता है अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे दुआ करो मुझसे मांगो मैं सुनता हूँ और जवाब देता हूँ उजी व दावतदा ये दादान ये फल पर बात हुई और हमने ये बात की के दुआ के लवाजमात क्या हैं, दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ की शराय क्या हैं? ब्रेक पर जाने से कबल हमने एक सवाल यह रखा था कि अकले हलाल और तवक्ल इसकी दुआ से इसका क्या ताल्लुक है क्या रब्त है हम अक्सर ये बातें करते हैं कि हम दुआएं मांगते हैं वो कबूल नहीं होती क्यों नहीं होती क्या हमारे बदन में जो खून है जो रगों में दौड़ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई हराम शामिल हो गया हो हम दुआएं करते हैं लेकिन ना दिल से बात निकलती है ना हमारी जबान और दिल में कोई मुमासलत होती है कोई ताल्लुक होता है ये बहुत सारी बातें हैं हम मुफ्ती साहब के सामने सवाल रखेंगे कि रिस्क हलाल का दुआ से क्या ताल्लुक है रिस्क हलाल का दुआ से जो ताल्लुक है हदीस मुबारक के अंदर जिस तरह दुआ के हवाले से जनाब सूर्य सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया कि जिसका लुमा हराम का हो वो अल्लाह ताला से दुआ करता है फान युस्तजाबलहजाले का उसकी फिर दुआ कैसे कबूल हो सकती है लेकिन यही बातें जनाब सूर्य सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने नमाज के हवाले से भी फरमाई कि जिसके पेट में हराम लुमा जाता है तो चालीस दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो शराब पीता है चालीस दिन तक कम से कम जो है उसकी, उसकी 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 नमाज और उसकी दुआ कबूल नहीं होती इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि एक हराम खाने वाला या हराम कमाने वाला नमाज पढ़ना छोड़ दे एक सूद की कमाई करने वाला जकत देना छोड़ बल्क, दे बल्कि छोड़ बल्कि बल्कि ये जो इसका ये जो नमाज पढ़ना है नेकी का जो ये अमल है ये इन एक वक्त आएगा ये सबब ये सबब बनेगा उस बुराई के छोड़ने का जैसे फरमाया जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सलात तन्हा अनिल फहशा मुनकर नमाज रोकती है बेहयाई से और बुराई से यानी नमाजी बन नमाज पढ़ने के लिए जिस तरह नेक होना जरूरी नहीं है बल्कि नमाज का पढ़ना एक बुरे को एक फाहिश शख्स को एक फहाश शख्स को जिस तरह नमाज नेक बना देगी ये नम, नमाज सबब बनेगी तो जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है इसी तरह दुआ करने के लिए नेक होना ये कोई जरूरी नहीं इन शे जो दुआ है ये सबब बनेगी इस शख्स के, के नेक बनने का नेक बनने का सबब बनेगी और ये दुआ सबब बनेगी कि ये हराम चीज़ों से ये बचेगा और हलाल पे आएगा जब दुआ कबूल होगी हलाल रास्तों से जब इसका काम बनेगा तो हराम रास्तों से ये शख्स खुद ब खुद बच जाएगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फला शख्स जीना भी करता है नमाज भी पढ़ता है फलाशस ये ये गुनाह भी करता है नमाज भी पढ़ता है जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि अनकरीब इसकी नमाज इसे जिना से चोरी से रोक देगी रोक दी दे। दे। तो मेरे जो अच्छा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस से मुबारक है उसमें लफ्ज आता है मामिन मुस्लिमिन मामिन मुस्लिम ये कोई भी मुसलमान जब दुआ अल्लाह ताला से करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करता है तीन तरीकों से इम्मा, इम्मा लहूजाले का या तो वो चीज अल्लाह तबारक तआला मरहमत फरमा देता है वह इम्मा यदिर लहूफिल आखिर या आखिरत में उसके लिए कोई जखीरा कर देता है औ यस अनहु सु मिसला उस जैसी जो बुराई है अल्लाह तबारक तआला उससे वो बुराई हटा देता है तो हजरा साहब के राम रजवानी मजमही ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजन नुसर फिर तो हमें कसरत से दुआ करनी चाहिए तो जनाब रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को अक्सर अल्लाह तबारक व तआला भी खूब देने वाला है अल्लाह इस वक्त कॉलर्स हमारे साथ है हम चाहते हैं कॉलर्स को ले लेते हैं फिर उसके, नहीं। नहीं। उसके बाद यही गुफ्तू आपने बहुत अहम निकात की तरफ तवज्जो दिलाई जी मंजूर साहब बताए जाते हैं अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब हेलो वालेकुम अस्सलाम जी मंजूर साहब फरमाइए हेलो जी आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए हाँ जी मेरा सवाल है जी एक जी फरमाइए फरमाइए मैं हाँ जी मैं जंग से अंस कर रहा हूँ जी फरमाइए ये आयात जो शुरू में आपने पढ़ी है कुरान की वैजा साला का इबादी अन्नी फाइनी करीब जी तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बस मेरा बंदा मुझे पुकारे सवाल करे जी जी मैं उसके करीब हूँ जी बाद लोगों का ये भी अकीदा है नजरिया है दुआ के बारे में पुकार के बारे में कि जब तक किसी ने का वास्ता न दिया जाए दुआ कबूल नहीं होती ये है हमारी है बिल्कुल ठीक है अगली कॉलर है हमारे साथ फरमाइए हेलो फरमाइए हाँ जी मैंने ये पूछना था कि दुआ के हवाले से जी जी जैसे ये कहा जाता है ना कि जब बच्चा चार महीने का होता है तो उसकी तकदीर लिख दी जाती है ठीक है तो फिर हमने ये कहीं सुना था कि जो अच्छे नसीब के लिए है दुआ नहीं मांगनी चाहिए बल्कि आपको अपने नसीब पे ही जो है मतलब कनात करनी चाहिए इस तरह से आप ये गलत करते हैं कि अगर आप नसीब के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिख दिया आप उसके लिए वो मतलब कुछ गलत कह रहे हैं ठीक है ये बहुत अहम अहम ये मसला है तकदीर कितना अहम मसला है इस सिलसिले में मैं गुजारिश कर दूं आपके सामने अभी जो मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल इसी तरीके से है कि सरकार मरतबा सल्ह वसलम ने शाद फरमाया कि दुआ जो है वो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं आपको बाय नहीं वही मिल जाए इसलिए कि खुदा तुमसे तुम्हारे माँ बाप से सत्तर सत्तर हज़ार सात सौ मरतबा सात हज़ार गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है आप अपने बच्चों के मांगने पर वो चीज़ें बच्चों को नहीं देते जो उनके नुकसानदेह होती हैं ठीक है चाहे वो तड़पते रहें चाहे वो भड़कते रहें चाहे वो कितना भी रोएं इसलिए कि आप उनकी हयात चाहते हैं आप उनकी सेहत चाहते हैं नहीं। नहीं। इसी तरीके से बहुत सी मरतबा इंसान अपने मबूद से नहीं। नहीं। वो चीज़ मांगता है जो उसके ईमान के लिए और उसके लिए आखरत के लिए खतरनाक होती है तो खुदांद करीम उस दुआ को बदल कर उस वो नमत अता करता है जिसका उसे इम नहीं था और वो उसके लिए बेहतर था हकीम भी है ना हकीम भी है और फिर एक मोहब्बत भी करता है ना अपने बंदे से और वो चीज़ नहीं देना चाहता उसे जो उसके लिए नुकसान दे हो हाँ। एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि दुआए कोमैल हजरत अलीमाम की एक बहुत मशहूर दुआ है उस दुआ के इब्तदाई जुमलों में अल्लाह ताली की हमदसना के बाद में आपने पाँच छः जुमले इरशाद फरमाए वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने बयान कर दूँ ताकि उसके हवाले से ये मसला वाजों के उन्होंने फरमाया अ इलुका बे नूर वजह कल करीम मैं तेरे नूर वजह करीम से के तवस् से सवाल करता हूँ और तसलसल में वुआ के जुमले हैं तो मुझे इस वक्त नहीं बयान करना वो बहुत तफसी हो जाएगी उसकी उसमें उसके बाद में उन्होंने फरमाया कि मैं तो उससे मकफरत तलब करता हूँ ठीक कि अल्लाह अल्लाह मकफर लिया दोनू बल्लतीसम अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी वजह से मेरी इज्जत लोगों में खराब हो रही है अल्लाह उम्म फिर लिया जनू बल्लती तुलजलकम अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं अल्लाह उम्म फिर लिया जुनू बल्लतीब दुआ अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जो मेरी दुआओं को कैद कर लेती है और तेरी बारगाह में पहुंचने से रोक देती हैं अल्लाह उम्म फिर लिया जुनू बल्लती तख्त और रजा अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी वजह से मेरी उम्मीदें टूटी जा रही हैं और मेरी बात तेरी बारगाह में नहीं पहुंच रही है इस दुआ से हमें ये बताया गया अमीर रोमिन की तरफ से बाज ओकात इंसान जो मायूसी की तरफ जाता है तो वो अपने गुनाहों की तरफ तोज्जो करे बिल्कुल ठीक है गुनाहों की वजह से जो है वो बहुत सारी मसाइल उसकी तरफ पेश आते हैं बिल्कुल ठीक है जो दो कॉलर्स ने हमसे सवाल किए हैं ठीक है उनके जवाब आने से पहले मैं कुछ सवाल और क्योंकि कॉलर्स का एक तांता लगा हुआ है कुछ सवाल ले लिए जाए क्योंकि कॉलर्स का भी बड़ा हक है ये जो ये जो पहला सवाल जो जी अच्छा मैं वो सवाल ले लूंगा जी असलम जी फरमाइए जी ये फरमाइए और आपकी आवाज आ रही है मुझे टीवी बंद कर दीजिए जी जी मैं अब्दुल बासिद बात कर रहा हूँ खान से सर मेरा सवाल उलमाए से ये है कि उम्मत मुस्लिमा में जो ना नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने के हवाले से इतलाफ पाया जाता है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारी फरमा देगी ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकिन एक बात और आपको सवाल मैं रखता हूँ के सामने लेकिन ये है कि कोशिश ये कीजिए कि इस प्रोग्राम में कोई भी इख्तलाफी बात ना आए बल्कि वहदत उम्मत की बात हो यकजाय की बात हो अच्छा ये दोनों सवाल पिछला सवाल जो था, था कि दुआ मांगते हुए किसी भी बुजुर्ग हस्ती का नेक हस्ती का का हवाला देना वास्ता देना इसके ताल्लुक से और ये सवाल जो आया था देखें हादी से मुबारका के जरिए जो हमें जो दुआएं मिलती हैं मसनून दुआएं अगर आप तमाम मसनू दुआओं को जमा करें तो उनमें तकरीबन पचानवे अठानवे फीसद दुआएं ऐसी हैं कि बंदा अल्लाह ताला से डायरेक्ट होकर दुआ करे अल्लाह ताला की सिफात बयान करे ये जो दुआ है इमी करीब में करीब हो यानी वास्ते की जरूरत है।, है लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वसीला जायज नहीं।, नहीं जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादी मुबारक के जरिए जो हमें जो बात पता चलती है वो ये कि आपका कोई अमल साले हो नेक अमल के वास्ते से इसी तरह किसी बुजुर्ग हस्ती से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तैाल इसका के मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह त वसीला इख्तार फरमाते थे मिशिक शरीफ की हदी से खुद जनाब रसूल करीम सल्ला वसलम की खिदमत में एक अंधा शख्स जो है वो आया और आप सल्लाह वसलम से दरख्वास की कि यह रसूल्ला मेरे लिए तो आ फरमा दे मैं ठीक हो जाऊं जनाब रसूल करीम सल्लाह वसलम ने इर्शाद फरमाया कि भाई तू सबर कर ले और मैं जमानत देता हूं तुझे जन्नत मिलेगी तो फरमाया कि या रसूल्ला जन्नत भी मिले और मुझे बिनाई भी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ इरशाद फरमाई वो वसीले वाली अल्लानी वा का वाह का बी नबी का मोहम्मद नबीर रहमा तो, तो नबी रहमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकिन ये जो वसीला इख्तियार करना है ये दुआ की कबूलियत की शर्त नहीं है बल्कि खास खास अगर कोई मौका हो तो उस खास मौके पे वसीले का इख्तियार करना ये जायज अमल है बिल्कुल यह कॉल कर रहे हैं हमें मुनवर साहब उनका नाम बताया जाता है अमरीका से कॉल आती है कट जाती है जी मुनवर साहब असल हेलो जी मैं जहीर बोल रहा हूँ जी जहीर बोल रहा हूँ कहाँ से जी मैं जहीर अमेरिका न्यूयॉर्क से बोल अच्छा, रहा हूँ जहीर साहब जी फरमाइए क्या सवाल है आपका, जी, मैं एक मसला था कि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जी आ, उनका वो एलए तशी से तल्लक है अच्छा मगर उनकी बेगम जो है वो एल ए सुन्नत से है अच्छा तो वो चाहते हैं कि उनकी बेगम एल तशी हो जाए तो इसमें मैं अच्छा अच्छा तो, तो ये हमारा जो मौजू है ते ते हम, पूछना हमारा के कोई जबरन किसी नहीं, को अच्छा ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम, प्रोग्राम इल्मी प्रोग्राम है और हमारा प्रोग्राम इतहाद की बात करता है इस किस्म की कॉल्स बराए करम ना किया करें मेरी गुजारिश है बड़ी मौदे हम यहां पर वहदत उम्मत की बात के लिए बैठे हैं कोई सुन्नी कोई शी नहीं जिस तरह हरूफ तहजी में सीन और शीन साथ साथ हैं इस तरह सुन्नी और शिया साथ साथ हैं ठीक और हमारा मौजू आज दुआ है कोशिश करें दुआ के ताल्लुक से बात करें जी अस्सलाम वालेकुम अगली कॉल लेते, लेते हैं इस हवाले से मैं एक दरखास्त कर दूं देखिए फरमाइए कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं ना जो सबके लिए जैसे मैं मेंबर हूं मेरा मस्जिद में जब मैं होता हूं मैं सबके लिए होता हूं मैं देवबंदी या हनफी होकर मैं बात नहीं करता ठीक है हम हम जो मसलक की जब हम बात करते हैं ना मसलक तरजीह के लिए तबलीग के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात इमाम मीडिया मीडिया का जो और... मीडिया पे जब मैं बैठा हुआ हूं ना इस वक्त इस्लाम की नुमाइंदगी ये भी ये ये अगर अहले तश्यो की नुमाइंदगी करेंगे तो मैं टोकूंगा मैं अगर अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करूं लेकिन लेकिन इन्होंने भी बात इस्लाम की करनी है मैंने भी बात इस मेरे इनसे अख्तिलाफ हैं मेरे से आते लेकिन इल्मी यहां मैं तो मैं इस्लाम की दो. जी जी वो इख्तलाफ्री इल्मी इल्मी है जी अगली कॉलर हम लेते हैं जी असल वालेकूम जी कौन साहब कहाँ से फैज नवाजी मनिबाउदी से जी फैज साहब फरमाइए सर मेरा सवाल ये है की नमाज जनाजा के बाद दुआ में थोड़ा जी बिल्कुल ठीक है जी एक यही सवाल पहले भी आया था इसका जवाब मेरे ख्याल साहब आप शुरू कीजिए जी हाँ बिस्मिल्लाम जवाब तो इसका दोनों सवालों का हो चुका है मुफ्ती साहब ने जो कलाम अपना शुरू किया था उस शुरू में कलाम में कह दिया था कि सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुआ मांगो तो अव्वल में भी दुरूद पढ़ो और आखिर में भी दुरूद पढ़ो दुरूद जो है अल्लाह नमाज जनाजा के बाद हाँ बिल्कुल हो सकती है हो सकती है मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये वो वसीले वाली जो दुआ उन्होंने कहा ना कि किसी का वास्ता देकर मांगनी चाहिए तो सरकार ने फरमाया कि दुआ मरदूद है जो बगैर दरूद के मांगी जाए दरूद महमद महमदाम पर जिस तरीके से जो भी तरीके से दुरूद इब्राहिमी हो मुख्तर हो तफसी हो जो भी हो दुरूद दरूद होता है अब उसको मांगकर दुआ उस शुरू भी शुरू भी किया जाए उससे दुआ को और आखिर भी किया जाए ये खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तला ने अपने हबीब सल्ला वलम को वसीला करार दिया है दुआ का ताकि उनके और नमाज जनाजा के बाद तो यानी अगर मरहूम के लिए दुआ की उसके लिए उसके लिए जो है खुद सरकारी खत्मी मरतबत का फरमान और मैं समझता हूँ कि ये गैर इख्तिलाफी फरमान है आप अभी हाँ नहीं मेरी अपनी बात को खैर के साथ याद करो अब वो चाहे आप... नमाज जनाजा के फौरन बाद हो या दो दिन के बाद हो या दस दिन, दिन के बाद हो या साल भर के बाद हो या मुसलसल हो ठीक है दुआ मांगने के मुख्तफ अंदाज है जैसे दुआ मांगने का जैसे मैंने अर्ज किया हाथ उठा के कभी दुआ की जाती है सजदे में इसी तरह नमाज जनाजा जो है ये दुआ का एक खास एक खास अंदाज है दुआ का अंदाज जैसे दुआ में अल्लाह ताला की तस्वीर हम दो सना फिर उसके बाद दरुद उसके बाद फिर हम दुआ पेश नमाज जनाजा में जो पहली तकबीर के बाद हम पढ़ते सुबहानक्लामा अल्लाह की सना बयान हो रही है दूसरी तकबीर के बाद फिर दरुद शरीफ हम पढ़ते हैं फिर जो तीसरी तकबीर होती है उसमें क्या होता है दुआ होती अल्ला फिर

सिर्फ एक शक्ल क्याम की सूरत में क्याम की सूरत में जिसके ये ऐसा क्याम है कि शुरू में अल्लाह अकबर आखिर में असलम वरहमत लाला तो नमाज वाली कैफियत के, के साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जब दुआ हो गई तो उसके बाद फिर इज्तिमाही दुआ की जरूरत नहीं है वाज हजरा इसे ना जाहिज के लेकिन जो हजरात जाहिज के उनका अपना मसला यह है नहीं अच्छा अब एक शख्स अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाता है दुआ मांगता है एक शख्स दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता नहीं। दोनों की नफसियात में फर्क है शख्सियत साजी जी 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 किसकी हो रही है इसमें यह कि इन लदीन यस्तकबरू न आने इबादती कुरान मजीद की आयत है। के अल्लाह तबारक वाली कहते हैं जो दुआ नहीं मांगता यहाँ पर कराम ने लिखा है कि जो लोग मुतकबर हो जाते हैं मुझसे मांगने के लिए तैयार नहीं है और वो नेमतों के अंदर खुश हैं तो इसमें दो चीज़ें हमारे सामने कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर हैं क्योंकि तो खुदांद करीम ने फरमाया कि साहिबान ईवान दुनिया के बागों नेमतें और औलाद ये देखकर तुम ये ना घबरा जाना कि हमने इनको नेमतें दे दी हैं तो हम इनसे ज़्यादा खुश हैं बल्कि हमने इन पर अजाब जहन्नम को तूल देने के लिए इन्हें सारी नेमतें दी हैं ताकि ये हमसे दूर रहें और एक हदीस है सरकार मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया कि खुदा मोमिन की दुआ को भी कबूल करता है और फासिक की दुआ को भी कबूल करता है नेकोकार की दुआ को भी कबूल करता है लेकिन फर्क दोनों में यह है कि जब कभी फासिक को फाजिर शख्स दुआ मांगता है तो खुदावंद करीम मलाइक रिस्क से कहता है कि इसे इतना दे दो कि ये दोबारा मेरे आगे हाथ न फैलाए इसलिए कि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती ये दोबारा मेरे दरवाजे पे नहीं आना चाहिए इसे दे दो ये चला जाए और जब बंदे मोमिन और मुखलिस और साले और अल्लाह का नेक बंदा दुआ करता है तो खुदा कहते हैं इसे थोड़ा थोड़ा दो ताकि ये बार बार मुझे पुकारे मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है ये मेरे पास आना चाहिए मैं इसको अपनी बारगाह में देखना चाहता हूँ इसलिए इसे इतना दो कि ये बार बार मेरे आगे हाथ फैलाए वो शख्स जो दुआ नहीं करता है वो मुतकबर है जी और तकबर सिवाय खुदा के किसी की जात के लिए जायज नहीं है जी आपने देखिए कितनी इसमें चाहता हूँ बहुत प्यारी बात आपने फरमाई कि एक फाच को फाजिर की दुआ फौरन कबूल कर लेता है अल्लाह तला हाँ। बात कि उसका बार बार आना रुजू करना मुझे पसंद नहीं है हाँ। लेकिन एक मुतकी परहेजगार नेकोकार अल्लाह से रुजू करने वाला हाँ। वो जब बात करता है दुआ मांगता है तो थोड़ा थोड़ा उसे देना अच्छा लगता है ताकि वो अल्लाह उससे मुकालमा करना चाहता है वो सुनना चाहता है उसकी बात को उसकी ये कितनी बात, प्यारी बात ये ये एक फलसफा दूसरा ये कि वो बच्ची ने सवाल किया था कि तकदीर के हवाले से कि जो तकदीर अल्लाह ने लिख दी है वो लिख दी है और उसके बाद में अब क्या आदमी दुआ करे और क्या कहे तो इसके लिए सरकार खतनी मरतबा वसल्लम की दुआ है कि हम ग्रोह अम्बिया अल्लाह से तीन चीज़ें मांगते हैं अल्लाम इन्नी असलों का ईमान तबा शुरु वहील ऐ अल्लाह मैं तो से ऐसे ईमान की दुआ मांगता हूँ कि जिससे मेरा दिल रोशन रहे व यकीन सादन हतामसी बनी इलामा का तब तली और अल्लाह मैं तो ऐसा यकीन मांगता हूँ कि जो कुछ भी मुझ तक पहुँचे मैं ये समझूँ कि ये तेरी मसलत और तेरी हमत के मुताबिक है तीसरी चीज जो है और मुझे उस रिस्क पर कनाअ अता फरमा के जो तूने मेरे लिए मकसूम किया सु, लिहाजा तकदीर पर बाकी रहकर इंसान को नहीं रहना चाहिए इसलिए कि अल्लाह ने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं और उनको बाज चीजों को मशरूत करार दिया है जैसा कि कुरानी मजीद में कहा गया इसको कि फजकुरूनी तुम मेरा मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा तो इसके सिलसिले में कुरान मजीद ने कहा कि ला इन शकर तुम ला अजीज कुम मेरी नेमतों का शुक्र करते रहोगे तो मैं इजाफा करूंगा यानी वो जो लिख दी गई है वो तो ठीक है लेकिन इसमें इजाफा होगा शुक्र के ऊपर बिल्कुल इन कफर तुम इन न शदीद और अगर तुमने मेरी नेमतों का कुफ्र किया तो मेरा आजाद तुम्हारे लिए सख्त है बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब मैं ये चाह रहा था कि मुफ्ती साहब जरा इस ताल्लुक से ये बात कर लें कि वो जुआ के लिए जो हाथ नहीं उठते हैं उनमें और दुआ में के लिए जो हाथ उठते हैं उन दोनों में क्या फर्क है किस तरह शख्सियत तब्दील होती है जैसे आपने फरमाया कि कुरान करीम फरमाता है कि जो मुतकबरीन होते हैं मुस्तकबरीन होते हैं वो अल्लाह ताला के सामने दुआ नहीं करते लेकिन उनकी नफ्सियात में फिर वो खूबियाँ नहीं होती जो दुआ के लिए हाथ उठाने वालों में होती हैं खौतिन वजरात आज दुआ के तलुक से हमने बात की बहुत सारी बातें कुरान करीम और अहदी मुबारक की रोशनी में सामने आई कल हम इनशाला बात करेंगे जकवात और इन्फाक के मौजू पर और कल हमारे साथ होंगे मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब और मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब खातिन हजरात क़ुरान करीम बार बार इर्शात फरमाता है अकीम असलात वात ज़क़ात और वहीं मकन ना हों फिले अकामलात और ज़कवात ज़मीन पर जिन्हें हम इकतदार देंगे वो नमाज़ क़ायम करेंगे और ज़कवा़त कायम करेंगे नेकी का हुक्म देंगे बुराई से रोकेंगे इस पर गुफ्तु कल इंशाअल्लाह होगी कल तक अपने मेजबान अनी अहमद को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़